अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास, दिस इज़ योर कंप्यूटर लेक्चर। टुडे वी आर गोइंग टू रीड यूनिट नंबर 3 एमएस वर्ड। इसकी रीडिंग जो है बेटा आपको अपलोड कर दी गई है वीडियो, इसकी अच्छे तरीके से हर चीज़ को हर टर्म को समझा दिया गया है। अब आज हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 40 पे। सबसे पहले है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट इन द स्पेस प्रोवाइडेड। करेक्ट ऑप्शन को जो है आपने सिलेक्ट करना है। ये एक पिक्चर दिया हुआ है, छोटा सा आइकन दिया हुआ है, इज़ द आइकन ऑफ डैश। उन्होंने पूछा है कि ये किसका आइकन है, तो ये पोजीशन का आइकन है, आपने पोजीशन को टिक कर देना है। उसके बाद है लाइन स्पेसिंग डैश, इस लाइन स्पेसिंग की पिक्चर दी हुई है उन्होंने। इज़ प्रेजेंट इन डैश ग्रुप, किस ग्रुप में पाया जाता है, टेक्स्ट, पैराग्राफ या स्टाइल्स, तो ये पैराग्राफ में पाया जाता है, इसको पैराग्राफ को आपने टिक कर देना है। अब ये एक आइकन दिया है इज़ प्रेजेंट इन डैश टैब, ये किस टैब में पाया जाता है, होम, इंसर्ट या व्यू, तो ये इंसर्ट टैब में होता है, इसको आपने टिक करना है। उसके बाद नंबर 4 है पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर टू टाइप्स ऑफ डैश। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप जो है वो दो तरह की क्या है, पेज ओरिएंटेशन, पेज स्पेसिंग या नन ऑफ दीज, तो इसका ऑप्शन है ए, पेज ओरिएंटेशन। उसके बाद डी इन 3D रिप्रेजेंट्स डैश। 3D में डी क्या रिप्रेजेंट करता है, डायमेंशनल, डायगनल या डिवाइस, तो डायमेंशनल, 3D मीन 3D, तो इसको टिक कर देना है। CTRL+S शॉर्टकट इज़ यूज टू डैश द डॉक्यूमेंट। ये जो हमारा फार्मूला है CTRL+S जो है ये शॉर्टकट है, किसको यूज़ करते हैं इसको, किस लिए करते हैं, टू सेव द डॉक्यूमेंट। सेव को आपने टिक कर देना है, किसी भी डॉक्यूमेंट को हमने सेव करना हो तो हम CTRL+S को प्रेस करेंगे तो हमारा डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। उसके बाद फिलिंग ब्लैंक्स हैं, ये आपको वर्ड्स दिए गए हैं ऊपर, इसमें पुट करने हैं। डैश इज़ द अमाउंट ऑफ स्पेसिंग बिफोर और आफ्टर अ पैराग्राफ, क्या आएगा, पैराग्राफ स्पेसिंग, ठीक है, इज़ द अमाउंट ऑफ स्पेस बिफोर और आफ्टर अ पैराग्राफ। स्पेस देते हैं पैराग्राफ से पहले और बाद में, तो उसको क्या कहते हैं, पैराग्राफ स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग ऑप्शन इज़ प्रेजेंट ऑन डैश टैब, किस टैब में पाया जाता है लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन, होम टैब में, होम लिखना है आपने डैश में। उसके बाद है नंबर 3 रोटेट ऑप्शन इज़ प्रेजेंट इन डैश टैब, रोटेट ऑप्शन किस टैब में होता है, फॉर्मेट टैब में। उसके बाद है यू कैन ऑल्सो चेंज शेडो डैश टू इन्हेंस योर डॉक्यूमेंट अपीयरेंस, अपने डॉक्यूमेंट की अपीयरेंस को बढ़ाने के लिए आप जो है वो चेंज कर सकते हैं शेडो किसका, कलर्स का, COLOUR कलर का शेडो आप चेंज कर सकते हैं। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स हो गई आपकी। उसके बाद सी पार्ट है टिक द करेक्ट एंड क्रॉस द रॉन्ग वंस, टिक क्रॉस दिए गए हैं। नंबर 1 है व्हेन यू इंसर्ट अ वर्ड आर टेक्स्ट व्यू टैब ऑटोमेटिकली अपीयर्स, तो आप ये है क्रॉस। उसके बाद है सिंबल्स कैन बी एडिड यूजिंग इंसर्ट टैब, ये टिक है बिल्कुल, सिंबल्स को ऐड किया जाता है इंसर्ट टैब यूज़ करने के लिए। उसके बाद है यू कैन ड्रॉ एज मैनी लाइन्स एंड एरोज इन योर डॉक्यूमेंट, अपने डॉक्यूमेंट में आप बहुत से लाइन्स और एरोज ड्रॉ कर सकते हैं, ये भी टिक है। पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर टू टाइप्स ऑफ पैराग्राफ सेटअप, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप जो है वो पैराग्राफ सेटअप की दो तरह की इकसाम है, ये फॉल्स है। CTRL+Z इज़ यूज टू अनडू एन एक्शन, किसी भी एक्शन को अनडू करने के लिए, यानी दोबारा से वैसे ही करने के लिए CTRL+Z यूज़ किया जाता है, ये बिल्कुल टिक है। उसके बाद यू कैनॉट सेट पेज मार्जिनस इन एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट, ये फॉल्स है, क्रॉस है। इसके बाद क्वेश्चन आंसर्स हैं आपके नोट्स में। क्वेश्चन नंबर 1 है राइट शॉर्ट आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग, वट इज़ वर्ड आर्ट, वर्ड आर्ट क्या है, वर्ड आर्ट अलाउज अस टू इंसर्ट द डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट। वर्ड आर्ट जो है वो हमें अलाउ करता है कि हम इंसर्ट कर सकें, यानी पुट कर सकें, लगा सकें द डिफरेंट स्टाइल ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट के डिफरेंट स्टाइल्स एक डॉक्यूमेंट में। इट मेक्स आर डॉक्यूमेंट मोर अट्रैक्टिव, और ये हमारे डॉक्यूमेंट को ज़्यादा खूबसूरत बना देता है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है डिफाइन पेज मार्जिन, पेज मार्जिन क्या होता है, पेज मार्जिन इज़ द ब्लैंक स्पेस अराउंड द एजेस ऑफ द पेज, जो पेजेस के एजेस पे ये ब्लैंक स्पेस होती है इसको कहते हैं पेज मार्जिन। क्वेश्चन नंबर 3 है डिफाइन पैराग्राफ स्पेसिंग, पैराग्राफ स्पेसिंग किसको कहते हैं, पैराग्राफ स्पेसिंग इज़ द स्पेस बिफोर और आफ्टर अ पैराग्राफ इन अ यूज्ड डॉक्यूमेंट, किसी भी यूज्ड डॉक्यूमेंट में जो स्पेस शुरू में और लास्ट पे पैराग्राफ के दी जाती है उसको कहते हैं पैराग्राफ स्पेसिंग। उसके बाद नंबर 2 आ जाता है राइट लॉन्ग आंसर ऑफ द फॉलोइंग, अब लॉन्ग आंसर्स देने हैं, पहले शॉर्ट थे अब लॉन्ग है। व्हाट आर द बेसिक स्टेप्स रिक्वायर्ड टू सेट लाइन स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग को सेट करने के जो बेसिक स्टेप्स हैं वो क्या ज़रूरी हैं, तो आंसर है इसका टू सेट लाइन स्पेसिंग फॉलो द गिवन स्टेप्स, इन गिवन स्टेप्स को फॉलो कीजिए। नंबर 1 है सिलेक्ट द टेक्स्ट फॉर विच वी वांट टू सेट द लाइन स्पेसिंग, पहले हमने सबसे पहले क्या करना है, टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। क्लिक द होम टैब ऑन द रिबन, फिर हमने रिबन पे जो होम टैब की है उसको क्लिक करना है, फिर क्लिक लाइन स्पेसिंग फ्रॉम पैराग्राफ
ग्रुप अ लिस्ट अपीयर्स। फिर लाइन स्पेसिंग को क्लिक करना है तो एक लिस्ट अपीयर हो जाएगी। उसके बाद नंबर 4 है सिलेक्ट एंड क्लिक द स्पेसिंग वी वांट टू सेट बिटवीन द लाइंस, और फिर हमने उस तरह की स्पेसिंग को सिलेक्ट कर लेना है जो हम लाइंस के दरमियान देना चाहते हैं। ओके बेटा, ये चैप्टर 3 के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए हैं, इसकी एक्सरसाइज भी हो गई है। अच्छे तरीके से लर्न करना है, क्वेश्चन आंसर्स को नोटबुक पर राइट डाउन करना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।